मैं सूर्य भाई आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। दोस्तों अभी डिस्ट्रैक्शन वाला वीडियो देख के कुछ दोस्तों ने पूछा कि भैया ब्रेकअप हो गया है, बड़ा दर्द हो रहा है दिल में, बड़ा रोना आ रहा है, मतलब नींद नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि अगर दिल टूट गया है या ब्रेकअप हो गया है, तो रोना आ रहा है, सैड लग रहा है, दुख हो रहा है, होने दीजिए, फील कीजिए उस इमोशन को भी। कोई इमोशन आ रहा है, सैड है, उसको फील कीजिए। आप उस एनर्जी को फील करते रहिए दोस्तों, किसी और एनर्जी को, इस एनर्जी को हटाने के लिए फोर्स मत कीजिए कि मुझे दुख ना हो, मुझे दर्द ना हो, मुझे रोना ना आए। ऐसा करके आप माइंड को मैसेज दे रहे हो कि ये वाली मेमोरी याद ना आए, दर्द ना हो। तो होता क्या है, माइंड के थ्रू जो चीज ज्यादा मना की जाती है उसको माइंड ज्यादा करता है। यानी कि अगर जीभ में है तो जीभ वहीं जाती है सारे दांतों को छोड़ के। माइंड में कोई चीज बोल दो ना बच्चे को कि ये नहीं करना, तो बच्चे का माइंड वही करने पहले जाता है। एक्सेप्ट कीजिए कि ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, इसको एनर्जी को फील कीजिए। रोना आ रहा है, थोड़ा रो सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई कमजोरी वाली बात नहीं है इसमें। अब समझते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता, कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो क्या आप किसी को जबरदस्ती रख सकते हो अपने साथ? क्या आप किसी को जबरदस्ती प्यार करने में मजबूर कर सकते हो? नहीं ना, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो क्या जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो आपके नियंत्रण से ही बाहर है, ऐसी इमोशन के लिए, ऐसे रिलेशन के लिए रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए? ये फैसला आपका है। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए दोस्तों। लोग बहुत ही वीक तरीके से देखते हैं, बहुत ही सैड तरीके से देखते हैं, और मैं क्या कहता हूँ कि दिल टूटना सबसे बेस्ट चीज है। अगर आपका दिल टूटा ना दोस्तों, तो इसका मतलब आपके पास भी आई है लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने की दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, जब दिल टूटता है तो बॉडी की जो सारी एनर्जी है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है दोस्तों। और ऐसा बहुत कम होता है जब एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाए। ऐसा जब होता है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सबकी एनर्जी एक हो जाती है। आप कभी मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो सबकी एनर्जी एक होती है, सब मूवी देखने आए होते हैं, तो वो एनर्जी कमाल की होती है दोस्तों। तो ऐसे जब दिल टूटता है तो पूरी बॉडी की एनर्जी एक जगह आ जाती है। वहां से आप चाहो तो आप बहुत बड़े नसीड़ी बन सकते हो, कबीर सिंह बन सकते हो। आप चाहो तो वहां से आप ऐसा स्टेप ले सकते हो कि लाइफ एंड हो जाए। आप चाहो तो वहां से एक बहुत कमाल के सिंगर बन सकते हो। आप उस एनर्जी को अगर डायरेक्शन दे दो जिम की, तो आप बहुत कमाल के बहुत ही स्ट्रांग बॉडी बिल्डर बन सकते हो। अगर आप उस चीज को डायरेक्शन दे दो स्टडी की, तो आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो अपने करियर में। तो दोस्तों वो जो एनर्जी, उसको यूज करना आना चाहिए, उसको डायरेक्शन देना आना चाहिए, तो आप बहुत कुछ कमाल का कर सकते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि उसकी जो एनर्जी आपको इस लेवल पे ले जाके खड़ा कर सकती है। उसके साथ ब्रेकअप हो भी गया है तो उसके बाद भी अगर कभी पैचअप करने का मौका आता है, कभी लगता है कि सामने वाला इंसान दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहता है, तब दोबारा से आ सकते हो। उसमें क्या बड़ी बात है यार, मौका देना चाहिए। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अगर आप फिर से ये फील करते हो कि दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहिए उसी इंसान के साथ, तो आ जाइए, कोई बात नहीं। लाइफ बहुत मजेदार है, इसको क्यों एक बिलीफ की तरह जीना है कि मैं एक बार कोई चीज छोड़ देता हूँ या मैं एक बार दिल टूट जाता है मेरा तो दोबारा नहीं छूटता। ऐसे मत जियो यार, कूल होके जियो। जो भी चीज हो रही है एक्सेप्टेंस भी रखो लाइफ में। रिजेक्शन मिल रहा है तो आप, रिजेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है कि कौन आपको रिजेक्ट करेगा, लेकिन आप किसको एक्सेप्ट कर सकते हो ये तो आपके कंट्रोल में है ना। सामने वाला दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाह रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, और दोबारा से लाइफ को एंजॉय करो। ये भी बहुत कमाल की चीज है। तो अब आपके ऊपर है, आपको कौन कौन से ऑप्शन या किस तरीके से ब्रेकअप को टैकल करना है।